कोई सा भी पेपर दे दो, हर पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, पेपर में यहाँ से प्रश्न आना ही आना है टेनिस में। तो टेनिस में जो खिलाड़ी होते हैं वो या तो एक होगा और या फिर दो हो गए, है ना, एक या दो होते हैं। इसमें भी आपके जैसे हम कल देख रहे थे जो आपका किस्म होता है बैडमिंटन में, जैसे क्या होता है, एक तो होता है, क्या होता है, एकल, एक होता है एकल, एकल का मतलब सिंगल, जिसमें मतलब एक साइड एक खिलाड़ी होता है और एक दूसरे साइड होगा, एक सिंगल सिंगल खेलता है ना। और एक होता है डबल्स, जिसमें क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, युगल बोलते हैं ना, जिसमें युगल, जिसको क्या बोलते हैं, युगल बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है, दो खिलाड़ी खेलते हैं, है ना, इसमें क्या है, एक साइड दो खिलाड़ी रहते हैं प्रत्येक टीम में। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि इसका जो ये राष्ट्रीय खेल किस देश का है, यहाँ पे प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय खेल किस देश का है, किस देश का राष्ट्रीय खेल है ये, तो ध्यान देना, ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का है, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट भी है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है टेनिस भी है। इसके मैदान को किस नाम से जाना जाता है, जो मैदान होता है इसके मैदान को क्या कहा जाता है, इसके मैदान को कोर्ट या फिर अदालत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोर्ट या अदालत में जो शब्दावलियां हैं उनकी बात करते हैं। शब्दावलियां, इस खेल से संबंधित जो शब्दावलियां हैं इसकी बात करते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न शुरू यहाँ से आएंगे। देखना आप लोगों की दो खिलाड़ी इधर के साइड है, दो खिलाड़ी इधर के साइड है, बीच में क्या लगा हुआ है, इसमें नेट लगा हुआ है, ये देखो, ये देख रहो, ये कैसी, जो जिस बॉल से आजकल क्रिकेट खेला जाता है वो क्या होता है आपका, टेनिस, है ना, आप, है ना, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, पर कभी कई बार है कि पेपर में बन जाता है, लैब, है ना, लैब शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये भी टेनिस से ही संबंधित है भाई, लैब, याद रखना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शब्द आता है वो आता है एस, ऐसे लिखा होगा, कई बार पेपर में आ गया कि एस शब्द किस खेल से संबंधित है, किस, कोई खिलाड़ी क्या होता है, सर्विस से जीत हासिल करता है, या फिर जीत बोल सकते हो, या फिर सर्विस से ही क्या है, पॉइंट हासिल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस शॉट को क्या कहते हैं, एस कहते हैं। अब क्या है कि ये यहाँ से सर्विस देगा, शॉट देगा इसको, तो ये यहाँ से जब बॉल में शॉट लगाएगा तो ये बॉल कहाँ आएगी, किस खिलाड़ी के पास आनी है, इस बॉल ने इस खिलाड़ी के पास आनी है ना, यहाँ से शॉट बॉल देगा वो इस खिलाड़ी के पास, ये देखो एरो बना हुआ भी है, जब यहाँ से सर्विस देगा इस खिलाड़ी के पास और ये उठा ही नहीं पाएगा सर्विस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सीधे सीधे इनका क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा पहली शॉट में, तो उसको कहा जाता है एस, है ना, एस पढ़ा था कल, स्मैश, स्मैश किससे संबंधित है, बैडमिंटन भी और टेनिस भी, बैडमिंटन और टेनिस लगभग लगभग एक जैसे गेम है, तो बैडमिंटन और टेनिस में स्मैश होता है ना, इस क्या होता है कि खिलाड़ी जोरदार शॉट लगाता है और शॉट दूसरे खिलाड़ी के सीधा सिर के ऊपर को निकल जाती है, तो उसको स्मैश शॉट कहते हैं, स्मैश पर पूरा नहीं बोला, देखो क्या होता है, जब क्या होता है इसमें दोनों टीमों के 40-40 पॉइंट क्या हो जाते हैं, बराबर, फिर जो गेम चलता है लीड अप टू, बराबर नहीं हो जाता, बराबर होने के बाद चलता है लीड अप टू, लीड अप टू का मतलब होता है, लीड अप टू मतलब आपको दो लीड लेनी है लगातार। एक शब्द क्या होगा, ऐसे करके लिखा होगा, ड्यूस, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होता है कि जब सर्विस दी जाती है ना, तो सर्विस की जो स्टार्टिंग होती है वो दाएं साइड से होती है, कहाँ से होती है, दाएं साइड से। अगर हम बात करें, सपोज एक खिलाड़ी ये है यहाँ पे, है ना, एक खिलाड़ी ये है यहाँ पे, एक ये है ना, और एक खिलाड़ी ये है यहाँ पे, इधर इधर के साइड के कौन से ये खिलाड़ी, उधर आपका ये खिलाड़ी है, एक ये है यहाँ पे खड़ा, एक इधर इस कोर्ट में होगा खड़ा ना, दाएं साइड से जाएगी सर्विस, है ना, तो दाएं साइड से सर्विस जाएगी, तो आपका दाएं साइड से इधर से सर्विस जाएगी तो किसके पास जानी चाहिएगी, उधर के दाएं साइड वाले के पास, तो उधर का दाएं इधर हो जाएगा, इधर का दाएं इधर हो जाएगा, तो ये दाएं साइड से सर्विस की स्टार्ट होती है ना, तो जब दाएं साइड से सर्विस की स्टार्ट होती है तो एक पॉइंट बनता है, और इसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, क्या कहा जाता है, हाँ भाई, ड्यूस कहा जाता है ना, जो सर्विस की शुरू होती है, सर्विस की स्टार्ट कहाँ से होती है, दाएं साइड से
सर्विस का प्रारंभ होना, सर्विस का प्रारंभ होना मतलब होना, सर्विस का प्रारंभ होना क्या, गेम या खेल बोल सकते आप लोग, खेल का प्रारंभ होना। कई बार प्रश्न आता है खेल का प्रारंभ किससे होता है, तो ड्यूस से, है ना। और ड्यूस क्या है, दाएं साइड, है ना। ये इस तरीके से प्रश्न बनता है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड स्लैम। अब आ जाओ जरा, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ से हर पेपर में प्रश्न आता है, ग्रैंड स्लैम। देखो भाई जरा, अब जो ग्रैंड स्लैम है वो है क्या, पहले इस बार ना भाई, इसी का अंदर है सब ज्यादातर जो पेपर में आना है आपके पास। जो ग्रैंड स्लैम है ये क्या है, टेनिस, टेनिस के टूर्नामेंट, टेनिस के क्या है ये, टेनिस का टूर्नामेंट नहीं है, टेनिस के टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम। अब टेनिस के टूर्नामेंट देखना, आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, सुना है, सुना है किसी ने कि नहीं सुना है, सुना ही नहीं आज तक, अरे भगवान क्या होगा तुम्हारा। एक होता आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन, और चौथा होता है यूएस ओपन। याद रखना, पेपर में प्रश्न आता है कि टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक बार नहीं हजार बार प्रश्न आ गया पेपर में, टेनिस के कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, नंबर एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, नंबर दो फ्रेंच ओपन, नंबर तीन विंबलडन ओपन, और नंबर चार आपका हो गया यूएस ओपन। अब यहाँ पर देखो प्रश्न ज्यादातर कैसे बनता है, तो हल्का पुल्का प्रश्न हो गया जो आता है पेपर में बार बार। देखो जरा तगड़ा प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जनवरी में, कब होता है, जनवरी महीने में चलता है ये चलता है मई महीने में, मई के लास्ट वीक में, दो दो हफ्ते के चलते हैं ये, दो हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता है एक टूर्नामेंट, मई के लास्ट वीक में शुरू होता है, मई के बाद क्या होता है जून, और जून के फर्स्ट वीक में शुरू खत्म हो जाता है, तो अभी क्या चल रहा है जून, अभी कल परसों ही खत्म हुआ है ये, ज्यादा टाइम नहीं हुआ खत्म होके, समझ लो आज कितनी तारीख है, 18 तारीख है, तो समझ लो आप लोग कि 10-15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले ही ये क्या हुआ है, खत्म हुआ है, दो हफ्ते का चलता है मुश्किल से, समझ गए ना, अभी अभी खत्म हुआ है। विंबलडन चलता है कब से कब तक, कब तक होना चाहिए भाई, जून के लास्ट वीक में शुरू हो जाता है और जुलाई के फर्स्ट वीक में खत्म, यानी कि कुल मिला के 24-25 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं डेट की किस तारीख को शुरू, पर शुरू होने वाला है ये कन्फर्म है, ये ऐसे ही होता है, इसको कोई आगे पीछे कर ही नहीं सकता, ये बिल्कुल एकदम निश्चित है, समझ गए ना। और जो यूएस ओपन चलता है ये अगस्त में शुरू होता है, अगस्त के लास्ट वीक में शुरू होता है और सितंबर के, सॉरी अगस्त के लास्ट वीक में शुरू होता है और सितंबर के फर्स्ट वीक में ये समाप्त हो जाता है, कौन सा, यूएस ओपन, समझ गए ना। अब बात करते हैं यहां पे इसकी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेपर में जो सबसे दमदार प्रश्न यहां से बनता है हर बार, देखो असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में अगर आप देखोगे, इससे 10 साल पुराने पेपर, तो 10 साल पुराने पेपर में एक साल आया एक साल नहीं, एक साल आया एक साल, ऐसे ही चल रहा है ये, हर हमेशा चल रहा है ना। आप आईएएस के पेपर में देखोगे वहाँ पे ये प्रश्न आता है, पीसीएस के पेपर में ये प्रश्न आता है,
करंट अफेयर्स में हर राज्यों के जो ग्रुप सी के पेपर होते हैं आपके, जो हर राज्यों के जो क्या कहते हैं पुलिस कांस्टेबल के पेपर, वहाँ आ जाते हैं प्रश्न। लेकिन ज़्यादातर प्रश्न क्या आता है कि इनका जो है क्रम पूछ लेता, लगाने के लिए क्रम पूछता है कि जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके टूर्नामेंट का वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से सही क्रम क्या है। ये एक वर्ष का पूरे कैलेंडर में, एक साल में जो है ये टूर्नामेंट हर साल होते हैं और इनका होने का जो क्रम है वो क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा उसी क्रम में लिखा है। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा, फिर विंबलडन होगा और फिर क्या होगा आपका US ओपन होगा। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर महीनों के नाम लिखे, एग्जैक्ट है कि बिल्कुल इसी समय ये होगा, तो होगा ये टूर्नामेंट रोलैंड गैरोस। किसे कहा जाता है तो रोलैंड गैरोस इसमें से किसको कहा जाना चाहिए भाई, पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि किसे जो है रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन, जो फ्रेंच ओपन है इसको क्या कहा जाता है, रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। एक बच्चा मेरे पास, बच्चा क्या मतलब एक हिसाब से वो टीचर ही है, पढ़ाते हैं, अब तो मेरे पास आए, वो कहा कि सर मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि टेनिस का टूर्नामेंट देखा हमने, जो टेनिस गेम होता है टेनिस के बारे में देखा, लेकिन जो ये होता है विंबलडन होता है ये भी तो टेनिस के बॉल से खेला जाता है, लेकिन इसको विंबलडन क्यों कहते हैं। उनको पता ही नहीं था इस बात का कि भाई टेनिस एक क्या है, सारे के सारे गेम है, ये टेनिस के गेम है और इसी के ये क्या है ग्रैंड स्लैम है ना। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है इसीलिए यूज किया जाता है कि टेनिस के सारे क्या होते हैं, चार टूर्नामेंट होते हैं जो पूरे एक वार्षिक कैलेंडर में होते हैं और इनका होने का क्रम क्या है ये है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर रोलैंड गैरोस किसको कहा जाता है, फ्रेंच ओपन को। दूसरी बात कि पहले तो इनमें से कुछ ऐसे कि मतलब हार्ड कोर्ट पे खेलते थे, कुछ किसी में खेलते थे, लेकिन यहाँ पे खास करके विंबलडन को याद रखना, ये ग्रास के कोर्ट पे खेला जाता है, मतलब घास का जो मैदान होता है इसका कोर्ट कैसा होता है, ग्रास का कोर्ट होता है, ठीक है ना। विंबलडन के लिए स्पेशल प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है, तो विंबलडन को खेला जाता है और इसका पूछता है फ्रेंच ओपन का, तो जो फ्रेंच ओपन है वो कहाँ खेला जाता है, ये कहा जाता है क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट क्या होता है, क्ले का मतलब प्रियंका बताओ, तुम ही बता सकती हो, क्ले कोर्ट क्या होता है, क्ले क्या होता है, हैं मिट्टी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो मिट्टी होती है ना, खास करके चिकनी मिट्टी को ही बोलते हैं, परंतु मिट्टी को आप क्या बोलते हैं, क्ले कोर्ट बोलते हैं, हार्ड मिट्टी। तो मिट्टी का जो है एक बहुत हार्ड वो बनाया जाता है इसके लिए, क्या है कोर्ट टाइप का बनाया जाता है, तो उसके ऊपर खेला जाता है। तो कई बार प्रश्न आया था कि कौन सा टेनिस खेल जो है क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, तो क्ले कोर्ट के नाम से ही फेमस है, हिंदी में भी क्ले कोर्ट ही बोल देते हैं, है ना। और कौन सा ग्रास में खेला जाता है, तो ग्रास में विंबलडन खेला जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है इसमें तो ईंटों का और उसका बनाया जाता है, हार्ड कोर्ट है ये, एक हिसाब से हार्ड कोर्ट है, कैसे है हार्ड कोर्ट है, और ये भी एक हिसाब से क्या है आपका, ये भी ग्रास पे ही खेला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये खेले जाते हैं। तो रोलैंड गैरोस जो है फ्रेंच ओपन को कहा जाता है, और ये वाला जो क्ले कोर्ट पे जो है कौन सा गेम खेला जाता है, फ्रेंच ओपन, और ग्रास पे विंबलडन, इन दोनों के ये खास पॉइंट यहाँ पे जो है बनेंगे पेपर में, ठीक है ना। अच्छा अगला पॉइंट यहाँ पे देखना, किसको है पता, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है भाई, नोवाक जोकोविच। कई बार पेपर में प्रश्न आता है कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, किस पेपर में आता है, ये सर्बिया के हैं और इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं आज तक, सबसे ज़्यादा 24 ग्रैंड स्लैम। तो ये पुरुषों की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी, पुरुष, और सबसे अधिक महिला, अगर पुरुष की बात करें तो नोवाक जोकोविच हो गया, और अगर महिला की बात करें याद रखना मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की, और इसने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो इसने भी 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, सेरेना विलियम्स। क्या है भाई रवि, किस देश से होनी चाहिए सेरेना विलियम्स, जो सेरेना विलियम्स है किस देश की है पता,
हैं, ढूंढ के लाना बताना मुझे, कई बार पूछ लेता है। राफेल नडाल का नाम सुना है? राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? राफेल नडाल के लिए तो पूछता है स्पेन से, राफेल नडाल स्पेन से है, सेरेना विलियम्स का जरा पता करके लाना। राफेल नडाल कहाँ से हैं? स्पेन से। तो सेरेना विलियम्स और राफेल नडाल ने, देखो राफेल नडाल ने तो 22 जीते हैं, सेरेना विलियम्स ने जीते हैं 23, ठीक है ना। कि अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता भारतीय कौन होने चाहिए? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किस भारतीय ने जीते होंगे? है भाई, चलो मैं आपको नाम दे रहा हूं तीन। ए पे है महेश भूपति, महेश भूपति सुना नाम? आप लोगों ने इनके नाम ही नहीं सुने, हद हो गई। सानिया मिर्जा, इसका भी नहीं सुना? कहाँ सुना? रोहन बोपन्ना, याद रखना इनके नाम। पूछता कि किस खेल से संबंधित है ये, किस, मार्गरेट अलवा सेरेना, मार्गरेट अलवा बोलता मार्गरेट कोर्ट है ना, सेरेना विलियम्स, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल किस खेल से संबंधित है, पूछता इन खिलाड़ियों के नाम है ना, किसका? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने कितने जीते हैं? 22। नोवाक जोकोविच ने 24, मार्गरेट अलवा ऑस्ट्रेलिया के 24, सेरेना विलियम ने 23, है ना। इनको याद रखना, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। महेश भूपति ने 12 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, भारत के हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया महेश भूपति ने, 12 ग्रैंड स्लैम जीते हैं महेश भूपति ने, और ऐसा कोई ग्रैंड स्लैम नहीं है जो महेश भूपति ने नहीं जीता है ना। ऑस्ट्रेलिया के 2 जीते हैं, फ्रेंच के 4 जीते हैं, विंबलडन के 3 जीते हैं, यूएस के भी 3। सानिया मिर्जा ने जीते हैं 6, इसीलिए सानिया मिर्जा बहुत फेमस है, वर्ल्ड लेवल का ग्रैंड स्लैम है ये। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे खिलाड़ी ऐसे आ जाएंगे, एक दो देश, सारे जो टॉप के जो देश होते हैं जो विंबलडन खेलते हैं, या फिर कोई जो फ्रेंच ओपन खेलते हैं, है ना, कोई मतलब जो टेनिस के जो है सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं सब यहाँ पे आते हैं ना। रोहन बोपन्ना है, इन्होंने कितने जीते होंगे, क्या लगता है आप लोगों को? रोहन बोपन्ना, याद रखना, रोहन बोपन्ना ने 2 जीते हैं। देखो सबसे ज़्यादा या सबसे सफल भारतीय जो टेनिस के लिए सबसे सफल भारतीय कौन है? महेश भूपति। पन मैं कल बता दूंगा अगर नहीं आए, लेकिन आप लोग जो है ढूंढ के लाना ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो पुरुष है, ऐसे करके लिखना पुरुष का किसने जीता है और महिला का, आप लोग बल्कि लास्ट में ये चार्ट टाइप का बना देना इस तरीके से ना। ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा आता है? फ्रेंच, इसके बाद फ्रेंच ओपन आएगा, फ्रेंच ओपन है ना, फिर आपका क्या आएगा? विंबलडन, फिर आपका लास्ट में कौन सा आएगा? यूएस, यूएस ओपन। तो इसमें क्या है कि आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है, तो जो 2024 का है इस तरीके से बना देना, 2024 में पुरुष का ऑस्ट्रेलिया ही किसने जीता, महिला किसने जीता, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया का किसने, पुरुष किसने जीता, महिला किसने जीता, विंबलडन पुरुष किसने जीता, महिला किसने, यूएस ओपन पुरुष किसने और महिला किसने। तो ये दोनों तो अभी तक नहीं हुए, ये तो अब शुरू होने वाला है, लेकिन ये वाला जो, ये तो अगस्त में शुरू होगा है ना, लेकिन ये दोनों जो है हो चुके हैं ख़त्म। तो इन दोनों का आपने बताना कि कौन सा किसने जीता, और क्रम तो इसका बहुत पूछा जाता लगाने का, ठीक है ना। तो आपको बताना है भाई, कल बताना है आपको, और नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ढूंढ